विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के लिए बुधवार से प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है, 14 जनवरी से 21 जनवरी तक नामांकन प्रक्रिया को किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने बुधवार को नामांकन किया। कोई किसी से टक्कर नहीं है। 2017 में मुझे टिकट मिला था, 2017 में भी वही आरोप प्रत्यारोप लगते थे, लेकिन कोई टक्कर नहीं है। जनता ने जवाब दिया और मुझे विधायक बनाया और उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः 2022 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनी। जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब तो उन गठबंधन वालों को ही दिक्कत हो रही है, ट्रांसप्लेट कर दिया अपने आदमी के दे करके दूसरी पार्टी के, अपने लोग दे करके उनको सिंबल दूसरी पार्टी का दिलवा करके खड़े कर दिए, उन्हीं पे अपना विचार करें, हमें दूसरी की पार्टी से कोई मतलब नहीं। वो हमारे बड़े भाई हैं, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, जनता इसका जवाब देगी। सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी इसी पर विश्वास करती है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः 2022 में सरकार बनी। नीति तो वही है जो हमारे माननीय योगी जी की सरकार ने और माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 5 सालों से जो कार्य किए हैं उत्तर प्रदेश में, वो सब आपके सामने है। सबसे बड़ा सवाल जो है कानून व्यवस्था का है, क्योंकि आप सब पत्रकार बंधु हैं, आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आपके सामने भी सारी चीज़ें हैं कि कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई है और बाहर से जो विदेशों से भी और इंडिया के दूसरे हिस्सों से भी इंडस्ट्री लगाने की लोग यहाँ पर मांग करने लगेंगे, आने लगे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है और अगले 5 साल में ये चरम पर पहुँचेगा और भारत के नंबर वन पर ये उत्तर प्रदेश विकास में होगा। वर्तमान में जो नेता या कोई ऐसा आदमी बड़ा आदमी हमारा कोई विरोध नहीं कर रहा था, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कार्यकर्ता होते हैं नेता के साथ में, तो कभी अत्या उत्साह होता है, कभी मन समर्थक जो है थोड़ा परेशानी में भी होते हैं, तो ये सब चलता है। हमारा कोई नेता कोई विरोध नहीं करा, वो सब हमारे साथ हैं और जल्दी आपको सब एक साथ चमकेंगे, कभी मतभेद नहीं रहे, ये उनके आशीर्वाद से तो हुआ है। आपके सामने सब कुछ नहीं नहीं जो हमारे यहाँ कार्य हमारी सरकार के द्वारा होने थे वो हो रहे हैं। अब जब पिछली बार के जो विधायक यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने कोई कार्य नहीं किए, वो जनता को मिल ही नहीं रहे, तो जनता का कार्य कहाँ से होगा। ऐसा ना, आदमी अपनी जो कमजोरी है वो किसी ना किसी के ऊपर तो घेरेगा ही ना, विधायक विधायक ही होता। देखो विषय तो कोई है ही नहीं, सरकार ने जितना काम किया है वो ऐतिहासिक है, चाहे वो केंद्र सरकार की सूचियां हो चाहे वो प्रदेश सरकार की सूचियां हो। सरकार के विषय को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जो विकास की योजनाएं रही है, जनता के हित की योजनाएं रहे हैं, उन्हें याद दिलाएंगे बस, क्योंकि सरकार तो लगातार काम कर रही है। इतने खतरनाक कोरोना काल में भी सरकार का एक कार्यकर्ता, भाजपा का एक कार्यकर्ता समाज के बीच रहा, चाहे उसने मास्क बांटे, चाहे उसने साबुन बांटा, चाहे उसने सैनिटाइजर बांटा, चाहे उसने गैस के सिलेंडर बांटे, चाहे उसने गरीब किसान के घर का ख्याल रखा। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार 2 साल से जनता के बीच है, मुद्दा कोई रखने की आवश्यकता नहीं है। गठबंधन का तो प्रत्याशी वहाँ है ही नहीं, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, पहले भी समाजवादी से लड़े थे, आज भी उनकी वही सोच है, किसान के प्रति अच्छी सोच थोड़ी ना है। अहंकारी सोच के लोग हैं, सांप्रदायिक सोच के लोग हैं, तो मैं तो उन्हें गठबंधन का प्रत्याशी नहीं मानता। और